रोई जूही बच्चू डरो मत, आपकी मम्मी आ गई है ना, आपकी मम्मी आज रात सब सही कर देगी। क्या हुआ मम्मा? जूही मम्मा हमें कोई खींच रहा है। मम्मी जूही मम्मी ऐसा लग रहा है कोई हमें पीछे खींच रहा है। रूही जूही रुको। ना हो ये जरूर उस पाताल देवी की शक्ति का ही असर। आखिर वो करना क्या चाहती है? में से किसी की बलि चढ़ाई? हे भगवान मुझे ये अनर्थ रोकना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? ये सारी बंदूकें खाली है सिवाय एक के। और जिसकी बंदूक में गोली होगी ठीक उसके सामने वाले की बलि चढ़ेगी। और इसकी शुरुआत मुझसे होगी। भगवान भाभी को कुछ हो ना जाए। बच गई। जो पाताल देवी की मूर्ति ढूंढ के उसका विसर्जन करना होगा। जो वो मूर्ति ढूंढनी होगी।
नरेश, अब अगली बारी तुम्हारी। देवी की मूर्ति कहाँ गई? कहीं दिशा ने लालच में कहीं और तो नहीं छुपा दिया? क्या करूं मैं? कहां ढूंढूं उस मूर्ति को? रिंकू के रूम में ही होगी मूर्ति। दिशा के कमरे में ना, पिंकू के कमरे में, तो फिर आखिर मूर्ति है कहाँ? नीचे कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, मुझे मुझे पहले जाके उन्हें रोकना होगा। मैं तुम्हारी बुरी शक्ति को जीतने नहीं दूंगी पाताल देवी, नहीं जीतने दूंगी मैं। मेरे होते हुए मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। मूर्ति की स्थापना तो होगी रुचिता, और आज तुम वो अपनी आंखों से देखो। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
बाहर से। और कोई भी अगर तुम्हारे रास्ते में आए उसे मारकर खत्म कर दो। पापा जी प्लीज ये अनर्थ मत होने दीजिए, ये हमारे खाटू जी हमारे घर के पालनहार है। पापा जी प्लीज रोक लीजिए ना ये अनर्थ होने से। पापा जी प्लीज मैं हाथ धो। प्लीज भाभी प्लीज रुक जाइए, वो हमारे खाटू जी हमारे पालनहार है। पापा जी प्लीज मत जाइए। दादी दादी आप तो पाठ करती है ना, आप तो पाठ करती है ना खाटू जी के। प्लीज प्लीज ये मत होने दीजिए। दादी जी मेरे पास दादी निहार जी प्लीज रोक के ना इन्हें, ये अनर्थ मत होने दीजिए। निहार जी प्लीज कुछ कीजिए ना। निहार जी प्लीज बस कुछ ही देर की बात है, जैसे ही सूरज डूबेगा मेरी मूर्ति की स्थापना इस घर में हो जाएगी।
पाताल देवी की मूर्ति कहाँ गई? वो काला कारपेट पहले तो कभी नहीं देखा मैंने पिंकू के रूम में, वो वहां अचानक कैसे आ गया? सोने में ज्यादा समय नहीं बचा, मुझे सूर्य सोने से पहले वो मूर्ति विसर्जित करनी होगी, वरना वो मूर्ति हमेशा के लिए इस घर में स्थापित हो जाएगी। एक आंख कैसे खराब हो गई? ये मूर्ति तो पहले ही खंडित हो गई, लेकिन फिर भी मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। पाताल देवी की जय। इस मूर्ति को पास वाले तालाब या नदी में विसर्जित करने का समय नहीं, मुझे कैसे भी करके इसको इस घर में ही विसर्जित करना होगा। सूरज डूबने से पहले मुझे ये मूर्ति विसर्जित करनी होगी, और इससे पहले खाते से हमारे घर से बाहर चले जाए, मुझे जल्दी से ये गड्ढा खोदकर इस मूर्ति को विसर्जित करना होगा। रुचिता वापस कैसे आ गई? अब इस मूर्ति के भी पाप को गंगा जल ही धोएगी। अब मुझे इस पानी में गंगा जल डालना होगा, क्योंकि गंगा जल ही ऐसा है जो बड़े से बड़े पाप को धो सकती है। अब इस मूर्ति के भी पाप को यह गंगा जल ही धोएगी। Mark!
आपने तो मुझे बड़ी बहन माना था ना। आज माफी के समय आपको अपनी बहन का रिश्ता याद आ रहा है, लेकिन आपने जो मेरे विश्वास को धोखा दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती भाभी। जो चाहिए था वो मिल गया, इसके आगे की जरूरत नहीं। मुझे बड़ी बहन माना था ना, फिर ये देवरानी जेठानी वाला व्यवहार क्यों कर रही हो तुम? देवरानी और जेठानी वाला बर्ताव तो आपने शुरू किया भाभी। आज माफी के समय आपको अपनी बहन का रिश्ता याद आ रहा है, लेकिन आपने जो मेरे विश्वास को धोखा दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती भाभी। जो चाहिए था वो मिल गया, इसके आगे की जरूरत नहीं। तुमने तो मुझे बड़ी बहन माना था ना, फिर ये देवरानी जेठानी वाला व्यवहार क्यों कर रही हो तुम? देवरानी और जेठानी वाला बर्ताव तो आपने शुरू किया भाभी। आज माफी के समय आपको अपनी बहन का रिश्ता याद आ रहा है, लेकिन आपने जो मेरे विश्वास को धोखा दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती भाभी। जो चाहिए था वो मिल गया, इसके आगे की जरूरत नहीं।